अस्सलाम वालेकुम अदिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिद्रा? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस को कैसे रिकॉर्ड करना है। यस ठीक है, हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रोस। तो हमने बाकी सारा तो कवर कर लिया तकरीबन। अब व्यूज में जाएं यहाँ पर, और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है मैक्रोस का। ठीक है, यस इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो ये है कि आपने कोई भी आपको बार बार चाहिए डॉक्यूमेंट, तो आप इसके अंदर रिकॉर्ड करके रख लेंगी। अगर आपको वो नेम्स कुछ स्टूडेंट्स के चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप वो रिकॉर्ड कर लेंगी, और बस एक क्लिक से आप अपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में उसको एंटर करवा सकती हैं। ओके अब जैसे यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है एक रिकॉर्ड मैक्रो का। ठीक है, इसको मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये आपको शो हो रहा है ना यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन ये मैक्रो है। मैक्रोज में यहाँ पे आपने जाके रिकॉर्ड करना है इसको। रिकॉर्ड करने के बाद ऐसी एक विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पर आपने सबसे पहले तो है इसका नाम देना है, मैक्रो नेम। आपके पास कोई आप देना चाहे नाम तो दे लें, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ये पहले से यहाँ पे लिखा होता है। अगर पहला मैक्रो रिकॉर्ड करें तो 1 होगा, 2 करें तो 2। अब मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे शायद रिकॉर्ड किया हुआ है। व्यू में जाएं और यहाँ पर एक मैक्रो रिकॉर्ड है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। डिलीट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैक्रोस पे गई, यहाँ से मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया। यहाँ पर अब देखें आ रहा है मैक्रो का नेम मैक्रो 1। अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई और नाम देना चाह रही हूँ तो आप इसको यहाँ से खत्म करके नाम देने कोई भी। अब ये एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स का। आप चाह रही हैं कि आपका जो मैक्रो जो मैं रिकॉर्ड करूंगी वो सिर्फ तमाम जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने पेजेस हैं, उन पे जो है ये चल जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स पे, तो आप इसे ऑल डॉक्यूमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि सिर्फ इसी पेज पे, इसी डॉक्यूमेंट पे आप इसे चाह रही हैं यूज करना, तो फिर आप इसे डॉक्यूमेंट 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसे ऑल कर रही हूँ, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना लिख लें, नहीं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ओके कर दिया। अब ये देखिए पॉइंट, ये जो मेरा एरो का निशान है, पॉइंटर है जो मेरा, इसके साथ एक शो हो रहा है मुझे, अलग से फेस सा बना हो ये मतलब कि हमारा मैक्रो जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसमें कुछ लिख लेती हूँ। मैक्रो लिखा, ओके, इसमें एम्प्लॉय पूरा नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, ये जो भी मैं इस डॉक्यूमेंट पे करूंगी वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैंने इसे किया, मैं इसे Ctrl A करके सेलेक्ट करके यहाँ से होम पे जाऊंगी। होम पे जाने के बाद यहाँ से इसे मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, कौन सी मुझे डबल चाहिए, तो मैं इसे डबल डबल नहीं चाहिए, इसे मैं ये वाली बोल्ड अंडरलाइन ये वाली कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ नेम्स दे देती हूँ। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने का जो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आपने Ctrl Shift प्रेस करना है, और यहाँ से बैक एरो, ये जो लेफ्ट राइट एरोज है ना, इनको क्लिक करना है। ठीक है, कीबोर्ड पे ये होता है कीबोर्ड से सिलेक्शन का। अब यहाँ देखें, ये मैं पॉइंटर यूज नहीं यहाँ पर होगा, इसमें कीबोर्ड यूज होगा। तो मैं Ctrl Shift प्रेस करूंगी जहां पर मुझे ये कर्सर चाहिए, जो मैंने सेलेक्ट करना है उसके आगे या यहाँ पर इस साइड पे रखकर मैं इसको Ctrl Shift प्रेस करूंगी। उसके बाद ये जो है मेरा राइट एरो है जो मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका कर्सर एंड पे है तो आप जो लेफ्ट एरो है आप उसे क्लिक कर लें। ये सिलेक्शन आपने कीबोर्ड से सिलेक्शन करनी है। नहीं, मैक्रो में ये नहीं काम करेगा। मैक्रो में इसके ऊपर, शीट के ऊपर ये जो कीबोर्ड है सिर्फ ये काम कर रहा है, पॉइंटर काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ से एंटर वगैरह यूज हो रहा है, इसमें सारा कुछ यूज, हाँ ये यूज हो रहा है, लेकिन जो ये है ना इसका पॉइंटर, ये यहाँ पर ये देखें क्लिक करने से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये इस यहाँ पर हो रहा है, टैब्स पे हो रहा है यूज।
ठीक है, जहाँ वर्किंग करेंगे वहां पर यूज नहीं हो रहा। हाँ जी, यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इसमें नाम और जो ऐड करना चाहूँ। अच्छा, मैं जब अपनी वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा चेक कर रही थी ना, तो जब मैंने आपका ये वाला सुना था ना कि स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होते हैं और ये आ जाता है अंदर रेड लाइन आ जाती है, तो तब मुझे पता चला कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। आई थिंक आप ये पूछेंगी, जिस तरह आप ये स्पेलिंग तो ठीक है क्योंकि नाम जो है ना, अब ये होता है इसमें, हाँ जो इंग्लिश, अब ये जो है MS, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ऑब्वियसली ये तो इंग्लिश क्लिक करेगा ना, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वो तो इसमें ठीक आ रहा है, लेकिन ये नाम जो है हमारे हैं, पाकिस्तानी है, ये लैंग्वेज तो इसमें नहीं है, इस वजह से ये वाली लाइन आती है। ठीक है, वेरी ट्रू, यही चीज इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाती हूँ, कमेंट बिल्कुल ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं, लेकिन वो रेड एरर दे रहा है और उसको मैं इग्नोर ऑल भी कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन जब प्रिंट आता है वो बिल्कुल ठीक होता है, इट मीन्स कि वो कंप्यूटर उसको कर रहा होता है। हाँ जी, ऑटो हो रहा होता है ना। चले, अब ये इसमें मैंने ये कुछ नाम लिख लिए, ठीक है, अब इसमें अगर मैं फॉर्मेटिंग करूंगी ना, फॉर्मेटिंग फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब मैं मैक्रो को रन करूंगी अपने डॉक्यूमेंट पे, फिर तो वो फॉर्मेटिंग आएगी, लेकिन जब सेकंड टाइम करूंगी तो ये फॉर्मेटिंग वो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मुझे यही चीजें चाहिए थी। लेट्स सपोज मैंने ये कर ली, ओके, अब मैंने इसे खत्म करना है, यहाँ पे व्यू में जाऊंगी। सीधा जस्ट अ मिनट, आपने कहा कि इस पे ये नहीं क्लिक करेगा, यानी सिर्फ ये जो एरो है, तो इसके लिए जब मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करूं, जब मैंने अगर समझो फातिमा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद ये जो हमारे कीबोर्ड पे राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन अप एरो है, इन पे क्लिक करूंगी। ये देखिए मैंने लेफ्ट एरो क्लिक किया है तो ये सिलेक्ट हो गया। अपर की तरफ करूंगी तो ये जितना मुझे सिलेक्शन चाहिए तो ये सिलेक्शन होती जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद जो है मैं व्यू पे जाऊंगी, व्यू पे जाने के बाद यहाँ से ये जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहे थे इसे स्टॉप कर दूंगी। यहाँ से मैंने इसे स्टॉप कर दिया। अब देखिए हमारा कर्सर, हमारा जो पॉइंटर है, ये माउस वगैरह, ये काम कर रहा है इस पे अब। ठीक है, इसी से इसकी सिलेक्शन हो रही है। तो इसका पर्पस क्या है, ये इसका पर्पस क्या है, ये लाइक ये जो हम कर रहे हैं बी रिकॉर्डिंग, तो इसका ये किस पर्पस के लिए यूज होगी? ये इसके लिए होती है कि जब आपके आपने आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि अगर स्टूडेंट कार्ड वगैरह आपको चाहिए, स्टूडेंट कार्ड वगैरह चाहिए, उसके लिए आपको स्टूडेंट का नाम, उसकी ईमेल, ये सारा कुछ, ये फॉर्मेट बार बार, मतलब पूरे कॉलेज का है ना, ठीक है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए आपको वो सेम वही फॉर्मेट चाहिए, लेकिन सिर्फ उसमें नेम्स चेंज करने हैं। आप वो फॉर्मेट जो है उस पे मैक्रोस को रिकॉर्ड करके रख लें, और जब भी आपको उसकी जरूरत हो तो आप जस्ट वहां से एक क्लिक से, यहाँ से देखिए, अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ ना, एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैक्रोस में दोबारा जाएं, व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद जो भी आपने मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड किए होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप इसे रन क्लिक करें तो ये एज इट इज जो काम हमने ये देखे किया था ना, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला जो ऊपर हमने काम मैक्रोज में किया था वो हमारे पास हो गया। अब मैं इसको सारे को खत्म करके आपको दिखाती हूँ। मैक्रोज में जाएं, यहाँ से व्यू पे क्लिक करें, और यहाँ से ये जो आपके पास मैक्रो रिकॉर्डेड है इसके इसको यहाँ से रन कर दें। तो ये देखें, ठीक है, अगर मैं इसको इसको पहले इसना... आपने डेल किया था, आपने पहले इसको डेल किया था ना, जब फिर खत्म किया है इसको, खत्म यहाँ से स्टॉप पे किया था। ये देखिए यहाँ से रिकॉर्ड करके, फिर एक ऑप्शन जब ये स्टार्ट हो गया होता है, मतलब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा था स्टॉप रिकॉर्डिंग, आपने उसको स्टॉप कर देना है, और उसके बाद ये जो है मैक्रोज आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक तो चीज ये है कि आपको बार बार यहाँ से जाकर मैक्रोज में क्लिक करके व्यू पे जाकर और यहाँ से जो भी मैक्रो होगा वो रन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप चाह रही हैं कि नहीं मुझे एक शॉर्टकट की देनी है जिस पे मैं ये काम कर सकूँ, जिस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ अमाउंट्स ले लेती हूँ, 23, 24, 36, 4 अच्छा, ये मुझे चाहिए। अब इसके बाद जो है ये जो मेरे पास डाटा है, मैं चाह रही हूँ कि
इस डेटा पे पहले तो मैं इसकी अंडरलाइन खत्म कर लूं जो मुझे नहीं चाहिए. अंडरलाइन मैंने खत्म की. इसके बाद ये जो है ब्रैकेट ओपन और इधर से एंड क्लिक किया, ये एंड पे आ गया और ब्रैकेट ये बंद. और ऐसे मैं चाह रही हूँ कि ये चीज जो है स्पेस दिस वन, ये मुझे चाहिए यहाँ पर. ऐसे ठीक है, ये मुझे चीज चाहिए. ब्रैकेट जो है मुझे हर इसके ऊपर चाहिए. ये जो निचले सारे मेरी अमाउंट्स हैं ठीक है, इनके ऊपर मुझे नंबरिंग पे ये वाली सेम ब्रैकेट चाहिए. मुझे बार बार इसको जितने भी इसमें ज्यादा नंबर्स वगैरह हैं मुझे उन सब पे खुद से ना करना पड़े. मैं एक शॉर्टकट की साइन कर दूं और बस मेरा काम हो जाए, मैं वो करती जाऊं और ये हो जाए. तो पहले तो मैं इसे यहाँ से खत्म कर लूं. खत्म करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे मैक्रोज में ठीक है. व्यू पे जाएं और यहाँ पे मैक्रोज में जाएं. मैक्रोज में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो. रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएं. ये काफी शो हो रहा है कीबोर्ड. अब ये मैक्रो 2 होगा ना, अब ये हमारा दूसरा है तो ये मैक्रो 2 कंसीडर हो. हाँ जी, आप यहाँ से नाम चेंज करना चाह रही हैं तो कर लें, नो इशू. और यहाँ पर है कीबोर्ड ठीक है. कीबोर्ड पे आप क्लिक करें तो ऐसी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपने शॉर्टकट की असाइन करनी है. मैं यहाँ पर शॉर्टकट की दे रही हूँ कंट्रोल आल्ट और ए. मैंने ये प्रेस किया पहले कंट्रोल आल्ट फिर ए प्रेस किया, ये मेरे पास एक शॉर्टकट की आ गई. यहाँ से मैं इसे असाइन कर दूंगी. असाइन करने के बाद मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगी. अब मैं ये काम करने लगी हूँ. अब देखें मेरी जो ये है रिकॉर्डिंग हो रही है. एक तो ये देखें, अब यहाँ पर जाकर देखें तो ये ऑप्शन एक आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग का, इससे मुझे पता चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है. और एक एरो के साथ भी आ रहा है पॉइंटर के साथ. अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगी, शिफ्ट 9 प्रेस करूंगी, ब्रैकेट ओपन हो गई. और फिर मैं इसको यहाँ पे एंड करूंगी. कीबोर्ड में एंड का जो बटन है उसे प्रेस करूंगी, एंड पे आ गया कर्सर. और फिर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट 0 करके ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी. फिर इसके साथ ही मैं ये वाला ऑप्शन दे दिया ठीक है. और फिर अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद अब मैं यहाँ से जाकर इसको मैक्रोस को स्टॉप कर दूंगी. एक मिनट, लेकिन मुझे किस तरह ये याद रहेगा लाइक ये कि शिफ्ट 9 प्रेस करना है ब्रैकेट, ये कीज मेरे लिए तो नहीं होंगी, न्यू होंगी जैसे अभी, क्योंकि ये मैक्रो जो हो रहा है वर्किंग तो उसके लिए जैसे कीज को आपको तो याद है कि ये शिफ्ट 9 और ये ब्रैकेट ओपन, ये चीज थोड़ा सा पता है क्या, 9 पे आप कीबोर्ड पे चेक करें, 9 पे ना एक ब्रैकेट बनी हुई है. अच्छा ठीक है, शिफ्ट 9 पे ब्रैकेट बनी है. हाँ जी ठीक है, शिफ्ट 9 ये इसके ऊपर जो अलहदा से, हाँ अलहदा से साइंस बने हुए हैं ना, वो सारे शिफ्ट यूज करके ही यूज होंगे ठीक है. शिफ्ट और उसको प्रेस करें और वो हो जाएंगे ठीक है. ओके ओके, अब मैंने इसने ब्रैकेट की थी. अच्छा मैंने मैक्रोज रिकॉर्ड किए थे, देखते हैं वो काम कर रहे हैं नहीं. कंट्रोल आल्ट ए प्रेस किया, ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक ब्रैकेट वो वाला सारा काम आ गया जो मैंने मैक्रोज में रिकॉर्ड किया था ठीक है. हाँ कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, देन कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये सारा काम इसमें हो गया ठीक है. ये होता है कि अपनी आसानी के लिए आप जितना भी काम आसानी अपनी आसानी के लिए कर सके वो आप करें इसमें, ताकि आपका टाइम बच जाए ये काम करने में, वर्कशीट वगैरह बनाने में. कुछ डाटा आपको पता है ऑफिस वर्क कर रहे तो ये चीजें बार बार आती हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड करके रखें तो आपने यूज करना है. ऑल्ट जो है वो शिफ्ट की को हम कहते हैं, जो ऑल्ट है ना स्पेस के साथ एक ऑल्ट है ठीक है, जहां पर विंडो का बटन है ना उसके साथ ही ऑल्ट है. कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके ए प्रेस किया, इनको प्रेस करके रखना है. कंट्रोल ऑल्ट फिर ए साथ ही प्रेस करना है ठीक है. ठीक है ये तो हमारा हो गया मैक्रोस. मरियम आपको समझ आई है मैक्रोस की? मरियम इज हियर. मरियम यस मैम. ओके ठीक है, ये तो हमारा हो गया मैक्रोस. अब नेक्स्ट हमारे पास और तो कुछ करने वाला रह नहीं गया, हमारा वर्ड तो सारा कंप्लीट हो गया. अच्छा सिद्रा बस मैक्रो में यही है? हाँ जी मैक्रोस में यही है कि आप कुछ भी अगर आप मतलब आपने वर्कशीट वगैरह बनानी है ना, फॉर्मेट किसी चीज का बनाना है, आप वो सारा बना के रख सकती हैं. जैसे आपने पेज बॉर्डर लगाया, आपने एक जो है टेबल ऐड किया उसमें नाम लिखे. चलिए मैं आपको एक टेबल भी ऐड करके दिखा,
क्वाड मैक्रो, अब हमारे पास मैक्रो है जो थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है, इसमें मैं इसको भी शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं, कंट्रोल आर्ट से मैंने एस, कंट्रोल आर्ट एस प्रेस कर लिया, असाइन किया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं पेज लेआउट में जा रही हूँ, इसको पेज बॉर्डर देना है, बॉक्स में मुझे बॉर्डर देना है ये वाला, ठीक है, ये बस बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के बाद यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ, इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ, कंट्रोल ए करूंगी तो ये सारा जो था, कंट्रोल शिफ्ट इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद होम पे जाने के बाद मैं इसमें इसको हेडिंग दे देती हूँ, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ और इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊंगी, यहाँ से टेबल ऐड करूंगी, इसमें मुझे सिर्फ ये, ठीक है, ये वाला चाहिए, ये मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें मैं नाम लिख रही हूँ, मुझे इसमें नेम चाहिए, नेम अगर मुझे ये नहीं चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट इसको प्रेस, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अंडरलाइन खत्म कर दी। इसके बाद यहाँ से इसको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, के बाद में खत्म कर लेते हैं, ईमेल और वैसे छोटे ही अच्छे लगते हैं। आपने ऊपर जाना है, एड्रेस फोन नंबर है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट कर रही हूँ सारे को, इसके बाद मैं इसकी अंडरलाइन खत्म कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक टेबल जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग भी करके दिखाती हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट इससे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं जाकर इसकी जो है इधर से कुछ इस तरीके से, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसको मैं कलर दे देती हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये कलर दिया, इसको बोल्ड खत्म कर दिया, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको यहाँ से फॉन्ट जो है ये वाला कर देती हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने फॉर्मेटिंग इस तरीके से की है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, समझे, ये मेरी वर्कशीट थी, मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए था, वो मैंने ओके कर लिया, मुझे यही चीज बार बार चाहिए। अब यहाँ से जो हमने मैक्रोस जो रिकॉर्ड किया हुआ था, टेबल की भी फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। डिजाइन में अच्छा नहीं मिला, कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद यहाँ से मैक्रोस को खत्म कर दें, स्टॉप मैक्रोस, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। उसके बाद अब हमने शॉर्टकट की असाइन की थी, कंट्रोल ऑल्ट एस, हाँ ये देखें। अच्छा, ये इसमें जो फॉर्मेटिंग है, अगर आप ऊपर वाली देखें, ये वाली, ये इंफॉर्मेशन की जो फॉर्मेटिंग है ये नहीं रही, कलर जो हमने किया था इसमें ये नहीं रहा, क्योंकि ये इसको मैक्रोस जो है इसको पिक नहीं करता। अगेन करके देखते हैं, कंट्रोल आल्ट एस, तो ये देखें वो जो है इसकी टेबल की तो फॉर्मेटिंग पिक की है मैक्रोज ने, वो दोबारा दोबारा से आ रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वाला जो हमने कलर वगैरह चेंज किया था वो नहीं किया। अब मैं इसमें पहले जो हमने मैक्रोस रिकॉर्ड की थी, कंट्रोल आल्ट ए प्रेस करूं तो ये देखिए हमने ये ब्रैकेट लगाई थी ना, मेरे पास शो हो रही है, ठीक हो गया, जैसे ये किया था ना कंट्रोल आल्ट ए वाला पहले डाला था, ठीक है, ये वाला। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की भूल गई हैं, आपको नहीं याद के क्या था, मुझे याद नहीं अब मैंने क्या लगाया था, तो आप अगेन मैक्रोस में जाएं, यहाँ व्यू पे व्यू मैक्रोस करें और यहाँ पर देखें कि ये आपके पास तीन मैक्रोस हैं,
अब नाम के लिए जरूरी है, अगर आपने ज्यादा सारे मैक्रोज रिकॉर्ड किए हैं आपको याद नहीं रहेगा कि इस वाले में कौन सा वाला किया था मैंने, फॉर्मेटिंग कौन सी की थी, इसमें कौन सी की थी। अगर हम वन मैक्रो पे क्लिक करें तो देखते हैं इस पे क्या आता है, ये वाले नेम्स आ गए हैं जो हमने पहले किए थे। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ से कंट्रोल ए से खत्म करके बैकस्पेस, फिर हम मैक्रोस पे जाकर व्यू मैक्रो और यहाँ से मैक्रो वन पे जाके रन करते हैं। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स के नेम आ गए। फिर हम दोबारा से जाएंगे इसमें सारे मैक्रोस को वन बाय वन चेक कर लेते हैं, मैक्रो टू पे जाए और इसको रन करें तो हमने ये वाला इसमें ब्रैकेट ऐड की थी। ओके हो गया। उसके बाद फिर से जाए और थर्ड वाला मैक्रो चेक करें तो इसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ पर देखें टेबल है हमारे पास, ये शो गया। जब इस तरह से ये चीजें आपके पास मौजूद रहेंगी, आपको जब भी इनकी जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट वो सिद्धा की कैसे पता चली, जो भी हम कह रहे थे लाइक ये जो की कंट्रोल ऑल्ट करके, तो अगर ये भूल जाएगी तो भी आपने कैसे किया इसको, इन केस हमें भूल जाती है शॉर्टकट की? हाँ, तो मैक्रोस में जाएं, यहाँ पे व्यू मैक्रोस का ऑप्शन है। हाँ वो ठीक है, मैक्रो पे क्लिक करें तो आपके पास जो जो आपने मैक्रोस रिकॉर्ड किए होंगे यहाँ पर ये होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड यहाँ पे पड़े होंगे। आप इस पे जाएं, किसी पे भी जाएं, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रन कर दे, रन करने के बाद तो ये देखिए आपके पास ही आ जाएगा। मेरा कर्सर यहाँ पे था तो ये यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, कर्सर यहाँ पर रख कर कर लें जैसे हमने अभी किया, व्यू पे जाएं और मैक्रो सेकंड वाला था रन किया तो ये ब्रैकेट आ गई। ठीक है, वो की तो नहीं, वो तो ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जैसे कि टाइम की थी कंट्रोल वर्जन में की थी कंट्रोल ऑल्ट करके, वो तो नहीं ना पता लगेगी इन केस अगर वो भूल जाती है। हाँ वो भूल जाती है तो यहाँ पर देखें इसको एडिट करके देखते हैं। ठीक है, हमने किसमें सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में साइन की थी, थर्ड वाले में, यहाँ से एडिट करें, एडिट करके देखें तो यहाँ पर हमें मैक्रोस ये वाला शो हो रहा है। नहीं इसमें नहीं है, नहीं होगी वो, यानी याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आपको भूल गई है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से जाकर डिलीट कर दें इसको और न्यू कर दें, व्यू में जाकर यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें या ऑर्गेनाइज कर। नहीं याद रहेगी, दोबारा से नहीं निकली। अच्छा अभी, अच्छा एक यहां यहां, आप कह रहे हो कि अगर भूल गई है तो आप डिलीट कर दो, लेकिन उससे ये भी तो होगा ना डेल से कि ये जो वर्किंग की होगी ये भी तो डेल हो जाएगी इन केस। हाँ अगर आपको नहीं जरूरत इसकी तो आप उसको डिलीट कर देना। हाँ अगर जरूरत है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वही कह रही ना, अगर जैसे ये ब्रैकेट से अब वो की भूल गई है तो फिर इसका और काम भी हमने इन ब्रैकेट्स पे करना जो हमने नंबर्स पे किया था, फिर उसका सोल्यूशन यही है कि हम फिर वो उस ब्रैकेट को ही यूज करें, ज़ाहरा अल्टरनेट ब्रैकेट ही होगा ना वही। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से आप जाकर इसको यही होगा और बस एक ये ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट पे चाहिए वर्ड कमांड्स, ये वाला आप इसमें से सेलेक्ट कर सकती हैं बस। और अगर इनका नेम चेंज करना तो नेम चेंज हो सकता है कि वो जब वर्किंग कर रहे हैं उसी टाइम होगा? हाँ वो तभी होगा, जो नाम आपने सेलेक्ट करना है वो आप तब करेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम ये जो करते हैं ये वाला साइन किया जो भी, ठीक है, इसको अगर हमने ये देखें जिस तरह ये वाला है फॉर्मेट वगैरह, आप कोई भी आ रहा है कि हमें ये वाला कार्ड बना दें स्टूडेंट कार्ड, आपने जस्ट ये ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर जाकर इसको मैक्रोस को रन कर लिया व्यू में। ठीक है, व्यू में रन किया तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने नाम एंटर करना है उसका, स्टूडेंट का, और ईमेल वगैरह एड्रेस जो भी देना है, और एक यूनिक आईडी होती है मतलब रोल नंबर वगैरह, वो आपने एंटर कर दिया और बस दे दिया। टाइम बच जाता है ये बस इसके लिए। ठीक है, तरीके से हम अगर स्टूडेंट्स की देखें, नर्सरी प्रेप वगैरह, ये पीजी वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं
इनकी डायरी टीचर्स को खुद लगानी पड़ती है टाइप करके। किसी ठीक है, अगर वो डायरी वगैरह खुद लगानी पड़ रही है, हर वीकली डायरी आपको अटैच करनी पड़ रही है उनकी डायरी के साथ, यहाँ पे टाइप करने के बाद काम वगैरह, तो उसका जो फॉर्मेट है वो आप मैक्रोस को रिकॉर्ड करके फर्स्ट टाइम में उसका फॉर्मेट सारा बना लें, उसके बाद आपको जब भी उसमें हफ्ते बाद चेंजिंग करनी है, आप जस्ट उनके जो सब्जेक्ट्स की पेजेस वगैरह उसमें ही चेंजिंग करनी होती है ना, आप उसमें चेंजिंग करें और फिर प्रिंट आउट कर लें, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ओके फाइन, आप ऊपर अम्मी जी से कह के ले लें, अम्मी जी से कहें वो आपको निकाल देती है।